नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से आप किसी भी बीमारी से पहले आप उसका बचाव कर सकते हैं। कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बीमारी से पहले हमको क्या सावधानी रखनी है, चाहे आप बीमार हो या ना हो, किस तरह हम डेली दिनचर्या में बदलाव करके आप अपने आप को स्वस्थ और मस्त रख सकते हैं। जिस तरीके से आज कोरोना जैसी महामारी से सभी पीड़ित हो रहे हैं, सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो उससे पहले ही कैसे बचा जा सकता है, हम आपको कुछ देसी तरीके से हम आपको एक सिस्टम बताएंगे किस तरीके से जब आप सुबह उठते हो और शाम तक आपको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, इससे आप इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जिस तरीके से आप अपनी स्वस्थ नींद लेते हैं, 6 से 7 घंटे की आपको एक स्वस्थ नींद लेनी चाहिए, जिससे आपके शरीर के अंदर इम्यून पावर बढ़ता है और आप तंदुरुस्त रहते हैं। सुबह जब उठते हो तो सबसे पहले आपको 3-4 योगा करने चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम हो गए, प्राणायाम हो गई, भस्त्रिका हो गई, सर्वांगसन हो गया, भुजंगासन हो गया। ये सभी योगा आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बढ़ाता है और आपके श्वसन तंत्र को मजबूत करता है और फेफड़ों को भी मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप जब सुबह उठने के बाद आप योग करोगे, उसके बाद हल्का नाश्ता ले लें, क्योंकि आपको हल्का नाश्ता स्वस्थ रहने के लिए आपको सुबह बहुत ज़रूरी है। ये हल्के नाश्ते में आप अंकुरित चने लीजिए, सोयाबीन लीजिए, जो भी आप हल्के नाश्ते में आप जो ले सकते हैं वो लीजिए, ताकि इससे आपके शरीर में आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़े। उसके बाद जब आप खाना खाएं, खाने में आप सलाद लीजिए। सलाद लेने के बाद जो भी आप चीज़ें, 2 चपाती, दाल, जो भी आप वगैरह वगैरह जो भी आप खाने में आप जो डेली यूज़ करते हैं वो आप खा सकते हैं। आपके शरीर में प्रोटीन लेवल को भी अंदर रखने की बहुत ज़रूरत है। आप सिर्फ खाना ही नहीं, आपको अंदर प्रोटीन लेवल बढ़ाएं, ताकि जिससे आपका इम्यून सिस्टम आपका तेज़ हो। प्रोटीन लेवल बढ़ाने के लिए आपको कोई भी अंकुरित चीज़ें हैं, फ्रूट्स है, दूध है, पनीर है, ऐसी चीज़ें जिससे आपका प्रोटीन बढ़े, ये चीज़ें आपको खाने में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ली जाएगी। और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको जैसे शाम को दूध के साथ हल्दी का उपयोग कीजिए, अदरक के उपयोग कीजिए, आंवला का उपयोग कीजिए, नींबू का उपयोग कीजिए, ये सभी आपके विटामिन सी शरीर में मात्रा बढ़ाएगा। विटामिन सी ऐसी एक चीज़ है जिसको आप शरीर में स्टोर नहीं कर सकते, वो आपको डेली यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि विटामिन सी आप जब खाओगे तो ही आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और दूसरी तरह के अंदर जो भी वायरल्स बीमारियाँ हैं उसको लड़ने में मजबूती प्रदान करता है। तो आपको विटामिन सी आपको डेली खाने के साथ या डेली आपको यूज़ करने की बहुत आवश्यकता है। और इसी तीसरा हम बात करेंगे स्ट्रेस लेवल। आपके शरीर का स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डाउन होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ भय, कोई भी चीज़ जो बीमारी से भय आपके दिमाग में उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर भय या डर का वातावरण उत्पन्न होता है तो उससे भी हमारे शरीर के अंदर बीमारियाँ घर कर जाती है, और जैसे उस बीमारी की वैसी ही फीलिंग आने लग जाती है और वैसे ही लक्षण हमें हमारे शरीर में उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसलिए बीमारी को थोड़े भय से मुक्त रखिए, उसको डाइवर्ट करिए और अपना पूरा समय मनोरंजन में, अच्छे खाने में, एक्सरसाइज में, इसमें आप बिताएं। इस तरीके से आप अपने दिनचर्या में बदलाव करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और आप डेली जीवन का आनंद ले सकते हैं। ये थे दोस्तों हमारे कुछ टिप्स। आप इसे रेस्ट डोज डेली अपनाओगे तो स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे और बिल्कुल टेंशन फ्री होगे। जय हिंद, जय भारत।